भारत का स्वर्णिम गौरव केंद्रीय विद्यालय लाएगा, तक्षशिला नालंदा का इतिहास लौट कर आएगा। किसी ने सच ही कहा है, बुद्धिमता का अंत स्वतंत्रता है, संस्कृति का अंत पूर्णता है, ज्ञान का अंत प्रेम है और शिक्षा का अंत चरित्र है। बच्चों के माध्यम से यह साबित कर दिखाया है केंद्रीय विद्यालय BHU ने। 3 दिवसीय चली कलरफुल वेरियर्स मास्क पेंटिंग कार्यशाला का आयोजन इसका जीता जागता उदाहरण है। छात्र छात्राओं के द्वारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, एक भारत श्रेष्ठ भारत, भाषा संगम, स्वच्छ भारत मिशन, फिट इंडिया मूवमेंट आदि पर 200 से भी ज्यादा मास्क चित्र बनाए गए। इस आयोजन के मुख्य अतिथि ब्रिगेडियर नरेंद्र सिंह, डॉक्टर सुनील कुमार विश्वकर्मा एवं डॉक्टर मनीष अरोड़ा के साथ विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर दिवाकर सिंह एवं उप प्राचार्य श्रीमती विनीता सिंह की मौजूदगी ने इस कार्यशाला को सफल बनाया। कार्यशाला के संयोजक विद्यालय के कला शिक्षक श्री कौशलेश कुमार के कथनानुसार बच्चे दुनिया को अपने नजरिए से रंगते हैं और इससे उनकी रचना और सोच में नवाचार आता है। लॉकडाउन के बाद पूरे देश भर में यह अपने तरह का नवाचार प्रयोगात्मक पहला कार्य है जिसमें भारत सरकार की आत्मनिर्भर भारत से जुड़े सभी पहलुओं को छात्रों ने अपने चित्र में दर्शाया है। स्वतंत्रता भवन काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आयोजित वीर सपूतों को नमन कार्यक्रम के तहत कलरफुल वेरियर्स मास्क पेंटिंग कार्यशाला में शामिल हुए 29 छात्रों को प्रोफेसर राकेश भटनागर कुलपति काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी द्वारा प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार वर्चुअल उपस्थिति के साथ कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। प्राचार्य एवं विद्यालय के तरफ से माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार को 2 मास्क भेंट स्वरूप भेजा गया एवं उपस्थित सभी अतिथियों को विद्यालय के बच्चों द्वारा चित्रित मास्क भेंट स्वरूप प्रदान किया गया। आगे इसी तरह के पुनित कार्यों के द्वारा केंद्रीय विद्यालय BHU अपने संगठन और अपने देश को गौरवान्वित करता रहेगा। लोगों को गंगा के तट पर माँ के आशीर्वाद दे करके उनका ये खुशी है कि भगनलाल पुलस्तर जी भी मंच पर आ गए हैं और वो मेरा प्रतिनिधित्व भी वहाँ पर करेंगे और उनका आशीर्वाद मिलेगा इस कार्यक्रम को। मैं उनका भी अभिनंदन कर रहा हूँ, उनका भी मैं स्वागत कर रहा हूँ और मुझे भरोसा है कि जिन लोगों को आज सम्मानित किया जा रहा है यही है वो हमारी प्रेरणा के स्रोत हैं और जो लोग आज जट करके इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो निश्चित रूप में हमारी प्रेरणा है और आज सब लोग इस तरीके के लोग जो इस स्पर्श गंगा अभियान के तहत है जो अर्पित फाउंडेशन ये कार्यक्रम कर रहा है, मैं उसके सभी कार्यकर्ताओं को सभी पदाधिकारियों को मैं अभिनंदन कर रहा हूँ कि ये लोग करते हैं उनको अभिनंदन न करते इससे बड़ी कृतज्ञता नहीं हो सकती है। ये समाज कभी कृतज्ञ नहीं रहा है, ये देश कभी कृतज्ञ नहीं रहा है। जो देश माता भूमि पुत्रों की बात करता हो, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय की बात करता हो, वो देश जो तम गच्छतुं सोऽद्भुतम् की बात करता हो, जो केंद्रीय विद्यालय BHU परिसर में कलरफुल वॉरियर्स की मास्क पेंटिंग कार्यशाला संपन्न हुई। आज केंद्रीय विद्यालय BHU परिसर में प्रथम पाली के छात्र छात्राओं ने कलरफुल वॉरियर्स के रूप में मास्क पेंटिंग कार्यशाला में भाग लिया और मनमोहन मास्क की पेंटिंग करके अपनी कला का प्रदर्शन किया। कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि ब्रिगेडियर नरेंद्र सिंह, डॉक्टर सुनील कुमार विश्वकर्मा, संकाय प्रमुख ललित कला विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ एवं डॉक्टर मनीष अरोड़ा सहायक प्रोफेसर दृश्य कला संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय उपस्थित थे। प्राचार्य डॉक्टर दिवाकर सिंह ने अतिथियों के स्वागत संबोधन में कहा कि रंगों का बच्चों की दुनिया में बहुत अधिक महत्व है, इसी से बच्चे दुनिया को अपनी नजरिए से रंगते हैं, इससे उनकी रचना और सोच में नवाचार आता है। डॉक्टर सुनील कुमार विश्वकर्मा ने बच्चों की कला की सराहना करते हुए कहा कि कला के अनेक रूपों में चित्रकला ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान रखती है और बच्चों को न केवल नई रचनाओं को करने में आनंद आता है अपितु उनकी कल्पना की भी ऊंची उड़ान उड़ती है। किस क्लास के स्टूडेंट हो आप? आज किस तरीके का मास्क बना रहे हो आप? एक भारत श्रेष्ठ भारत के ऊपर बना रही हूँ मैं। भारत के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मैं डॉक्टर दिवाकर सिंह, प्रिंसिपल केंद्रीय विद्यालय BHU वाराणसी। सर, किस तरह का यह कार्यक्रम हो रहा है और बच्चों को किस तरह इंकरेज किया जा रहा है? ये कार्यक्रम एक्चुअली कलरफुल वेरियर्स करके थीम है। इसमें बच्चे जो हमारे स्कूल के हैं मास्क को पेंटिंग डिजाइनर पेंट मास्क बना रहे हैं और जो पेंटिंग कर रहे हैं हर पेंटिंग में कोई ना कोई एक
मैसेज हैं जो कि हमारे वातावरण को बेहतर करेगा या हमारे बच्चों के अंदर वैल्यू डालेगा या हमको कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम दे रहा है ये चीज़ें।